नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल आप सभी व्यूअर्स का कुंडली टीवी के स्पेशल प्रोग्राम किस्मत जंक्शन में वेलकम करता हूं। आज सोमवार का दिन है और तारीख है 17 दिसंबर 2018 और इस दिन सूर्य पुत्र की पूर्णा संज्ञक धनदायक तिथि दशमी है, जिसमें सूर्य और उनके पुत्रों की पूजा करने का विधान शास्त्र बताते हैं। आज रेवती नक्षत्र भी है, जिसके देवता 12 आदित्यों में से एक पूषण है। शास्त्रों में पूषण देव को धर्म ग्रंथों में रक्षा करने वाला देवता माना गया है। पूषण सभी प्राणियों और पूरे संसार का निरीक्षण करता रहता है और रक्षा करता है। पृथ्वी और आकाश के बीच घूमते रहते हैं पूषण देव। खासतौर पर ये सभी का मार्गदर्शन करते हैं, इसी कारण इन्हें पथ प्रदर्शक देवता भी माना जाता है। पूषण देव तरल भोजन ही ग्रहण करते हैं तथा इनके पास सोने का भाला और अंकुश रहता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। पौराणिक कथा अनुसार दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए थे पूषण देवता और सती के आत्मदाह पर इन्होंने महादेव की हंसी उड़ा दी थी। फिर क्या था, पूषण दांत दिखाकर हंस रहे थे, इस पर महादेव ने क्रोधवश इनके दांत हमेशा के लिए तोड़ दिए। पूषण के विधिवत पूजन और उपाय से व्यक्ति तेजस्वी बनता है, सभी बाधाओं का अंत होता है और मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज की स्पेशल पूजन विधि क्या है। घर की ईस्ट डायरेक्शन में लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उस पर पीतल का लोटा रखकर उसमें जल, दूध, शहद, सिक्के, गेहूं के दाने डालकर लोटे के मुंह पर अशोक के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखकर स्थापित करें और पूषण आदित्य यानी कि पूषण और आदित्य का कलश स्थापित करके विधिवत पूजन कीजिए। पूषण का सिंबल होता है ताड़ का पेड़ और जो उसमें से तेल निकलता है उसे कहते हैं पाम ऑयल। ताड़ के तेल का दीपक जलाना है आपको, गुलाब की अगरबत्ती जलानी है, रोली चढ़ानी है, सफ़ेद फूल चढ़ाने, अंजीर का फलहार चढ़ाना है और मावे का भोग लगाना है और सफ़ेद चंदन की माला से इस मंत्र का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका जाप करना है। पूजा के बाद पीतल के लोटे में जो जल है, जल, रोली, गुड़ डालकर सूर्य को आपको अर्घ्य देना है और पूजा के बाद में फलहार और भोग जो है वो गाय को खिला देना है। सुबह का जो मुहूर्त है पूजा का वो है सुबह 9:45 से लेकर सुबह 10:45 तक। शाम का मुहूर्त जो है वो है शाम को 4:10 से लेकर शाम को 5:10 तक। और स्पेशल पूषण मंत्र है ओम पूषणे नमः। तो आज के स्पेशल टोटकों से मृत्यु भय से मिलेगी मुक्ति, जिससे सभी बाधाओं का अंत होगा और मिलेगा तेजस्वी बनने का आशीर्वाद। आइए जानते हैं कैसे। मृत्यु भय से मुक्ति के लिए सूर्यदेव पर चढ़े महुआ के पत्ते, महुआ एक बहुत स्पेशल तरीके का पत्ता होता है और इसी महीने में पाया जाता है, उसे जल प्रवाह कर दीजिए। तेजस्वी बनने के लिए कपूर से चंदन जलाकर पूषण कलश पर धूप कीजिए जो आपने कलश बना रखा है। सभी बाधाओं के अंत के लिए सूर्यदेव पर 12 चिरौंजी के दाने चढ़ा दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ कैसे पाएं गुड लक के साथ एजुकेशन और प्रोफेशन में सक्सेस, कैसे टलेगा विवाद और कैसे होगा हानि से बचाव, कैसे फैमिली और लव में मिलेगी आपको खुशियां, आइए जानते हैं। गुड लक के लिए सूर्यदेव पर चढ़े कोहड़ा, कोहड़ा जो होता है पंपकिन, उसको सिर से वार कर चौराहे पर रख दीजिए। विवाद टालने के लिए सूर्यदेव पर मुनक्के चढ़ाकर किसी गरीब को दान कर दीजिए। नुकसान से बचने के लिए अशोक के पत्ते पर चंदन से हानि लिखिए और उसको जल प्रवाह कर दीजिए। प्रोफेशनल सक्सेस के लिए शहद मिले जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। एजुकेशन में सक्सेस के लिए सूर्यदेव पर भोजपत्र चढ़ाकर अपने टेक्स्ट बुक में, किसी किताब में, डायरी में रख लीजिए। फैमिली हैप्पीनेस के लिए पूषण कलश पर सफ़ेद गुड़हल के 4 फूल चढ़ाइए। लव लाइफ में सक्सेस के लिए सूर्यदेव पर चढ़े 5 जायफल जल प्रवाह कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, किस्मत जंक्शन में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर, जिसमें मैं दूंगा आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन और देखेंगे किस्मत जंक्शन का कौन सा प्लेटफॉर्म देगा आपको सक्सेस का सिग्नल। तो अपने मित्र, अपने फ्रेंड, अपने सखा कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।